हाँ हाँ एक रुकी नहीं है रुकी नहीं जीजी भैया को बोलो ना एक बारी हमारे लिए एक मिनट बेटा आ जाइए बोलिए बोलिए बाहर दरवाजा बंद कर पहले दरवाजा बंद कर नहीं नहीं दरवाजा बंद नहीं चलो जय माता दी चलो फिर चलो आइए अरे क्या कर रहा तू यार अच्छा सब लोग पीछे खड़े जूम नहीं इसमें अच्छा नहीं नहीं 1 2 3 एमसी क्या कर रही है आप तो फाइन नहीं मारे हम लोग ने तो संभल नहीं पाए ये कौन है चलिए बैठ कर दे अब मिल लीजिए मिल ले बैठ कर बाद में अभी बैठ कर उधर करेगी चलो भी उधर ही उधर ही चलो डायरेक्ट सुमित जी मिस्टर सुमित काबरा कहाँ चले गए आइए क्या हाल है बढ़िया आप कैसे आप सभी लोग यहाँ पर आए और IFS इंडियन फिटनेस स्टूडियो को आशीर्वाद देने के लिए तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे बीच में सुमित्रा पेटनेकर जी जो मेरी स्टूडेंट भी हैं और स्टूडेंट उनका टीचर हूँ उस हिसाब से लेकिन उनकी उनका स्थान काफ़ी बड़ा है और उन्होंने भी उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला है और उनका आशीर्वाद मैंने कभी भी इनके पैर छूने की कोशिश की तो इन्होंने मुझे कभी पैर छूने दिया नहीं लेकिन आप मेरे गुरु कभी मेरा पैर नहीं छू सकते आपका दर्जा ऊपर है लेकिन वो एक काम के वजह से एक दर्जा है लेकिन असल में वाकई में इन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि कभी भी हम बैठते हैं तो बहुत समय तक बैठते हैं और बहुत सारी बातें इनसे सीखने को मिलता है क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही आज भूमि पेडनेकर जो है इतने बड़े कलाकार बने हैं और उनको देखते हुए उनके जो संस्कार है तो वो संस्कार यहीं से मिले हैं और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मुझे भी मिल जाती है संस्कार जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए मुझे आशीर्वाद देने के लिए और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई मनोज सिंह जी और देवी सिंह जी मनोज सिंह जी भी जो है मेरे स्टूडेंट हैं और यहाँ पे सब जितने लोग खड़े आइए आइए देवी सिंह जी ये भी मेरे स्टूडेंट हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं लेकिन हमेशा कभी इन्होंने ऐसा दिखाया नहीं कि काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं हमेशा इन्होंने अपना समय हमेशा अपना समय और हमारे बड़े भाई साहब इंडस्ट्रियलिस्ट मनोज सिंह जी जो कि मेरे स्टूडेंट है उनको सिखाने के लिए मुझे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उनके जो हाइट पर्सनलिटी के हिसाब से क्योंकि वो जो पंच करते थे उन्होंने बोला जी कुदरती ताकत कहाँ से लाया आपने और मेरे मेरे स्टूडेंट और मित्र मिस्टर मलिक जी वो भी यहाँ पे और
ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं और कई साल पुराने हैं और मैसेज नहीं कर मलिक की एक ऐसी खासियत रही है कि वो सबसे ज्यादा वजन और बेंच मारने में उसका रिकॉर्ड मैंने आज तक देखा नहीं कोई मतलब तोड़ दे क्योंकि ये जिम करता था तो हम इसे बोलते थे तुम जिम नहीं करते तुम कुली हो हम बोलते थे तुम कुली हो तुम वजन उठाते हो तो हमेशा लोगों को प्रोत्साहित किया इन्होंने भी जिम को लेके और मेरे एक मित्र और भाई समान सुमित काबरा जी यहाँ पर है जो कि एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आरआर ग्लोबल आरआर काबिल के डायरेक्टर हैं लेकिन इनके साथ में भी समय बहुत अच्छा बीतता है और ये स्पिरिचुअल भी हैं और इनके घर के संस्कार देख के तो मतलब हर इंसान को इनसे घर के संस्कार से सीखना चाहिए क्योंकि आज भी तीन पीढ़ी एक ही साथ में रहते हैं और इतना मतलब अपने बड़ों को सम्मान आदर और छोटों को मतलब ऐसा लगता है कि काश मेरा परिवार भी इसी तरह बने संस्कारी बने लोगों को समझे जो इनसे अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी तरह है और कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत चेंजेस उस लाइफ में आए तो इन सभी लोगों के साथ में रहकर और इन लोगों का कुछ बातों को सुनकर कुछ चीज़ों को अपना कर ही आगे बढ़ने का मौका मिला है दोस्तों और आप लोग यहाँ पर आए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ पर मेरे रोशन सिंह जी है ये भी मेरे स्टूडेंट हैं जो कि बिजनेसमैन है मनोज जी के छोटे भाई इज ऑल्सो माई स्टूडेंट और इन्होंने हमेशा मुझे फोर्स किया है किसी के साथ आप कौन हो आपको नहीं पता है आप इतने नॉर्मल क्यों रहते हो आप अपने आप को क्यों नहीं पहचानते हो तो भाई का नंबर लगता है गुरु सिंह जी और चाहे आदमी विरार में क्यों ना रहता हो और अंधेरे में अगर गुरु सिंह जी को मिला है तो रात कितनी भी हो वो उनके घर तक उनको ड्रॉप करके आते हैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमेशा कई लोगों के लिए इनका ये सपोर्ट रहा है थैंक यू सो मच और सीमा दीदी भाग रहे नजर झुका के और मेरे प्यारे चीजा जी कहाँ पर हैं भाग रहे आइए सर